गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो स्टूडेंट्स आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और होमवर्क भी कर रहे होंगे। होमवर्क आप लोग भेजते नहीं हो, होमवर्क आप लोग भेजा करिए। देखिए स्कूल खुलने वाले कुछ ही दिनों में, फिर आपको देखो अभी बेनिफिशियल उसका लीजिए, होमवर्क कंप्लीट करके रखिए, आप लोग लर्न भी करिए और जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको होमवर्क भेजें उस होमवर्क को आप लोग उनके नंबरों पर तुरंत सेंड कर दीजिए, करिए, है ना। तो ऐसा अच्छा लगता है, आप लोग होमवर्क भेजते नहीं हो। तो जो भी अब कुछ दिन बचे हैं अपने पास, स्कूल खुलने में ही अब कुछ ही दिन हो रही है आपके पास, तो आप लोग जुट जाइए। जो बच्चे अब तो बिल्कुल पढ़ाई से कट चुके हैं, दूर हो चुके हैं, वो लोग दोबारा बैक करिए, अपनी पढ़ाई पर आइए दोबारा से। स्टूडेंट समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपन अपनी पढ़ाई चालू करते हैं और कल वाले जो टॉपिक मैंने छोड़ा था पेज नंबर 49 आप लोग निकालिएगा, वहीं से मैं आपको आगे से आज पढ़ा रहा हूँ। पेज नंबर 49, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क फाइबर्स। द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क इन द ट्विस्टिंग of one or more thread of raw silk into a strand sufficiently strong or weaving knitting, the process is called throwing. In the process throwing, from different types of silk thread can be produced. Organized thread is the made of giving raw silk thread a preliminary twist in one direction and then twisting two or more of these thread in the opposite direction at the rate of about 4 tons per centimeter. यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा जो सिल्क फाइबर हमने ऑब्टेंड किया है उससे सिल्क थ्रेड कैसे बनाया जाएगा, सिल्क थ्रेड से सिल्क फाइबर कैसे बनाया जाएगा। तो पहले उसको ट्विस्ट करते हैं मशीनों के द्वारा, फिर क्रीप करेंगे जिसमें उन्हें ट्विस्ट इन द 16 to 32 टर्न यानी एक सेंटीमीटर में 16 से 32 बार उसका मोड़ने का काम करते हैं। टार्म में क्या करेंगे, टार्म मेजरमेंट बाई ट्विस्टिंग टू और मोर रो सिल्क थ्रेड वन डायरेक्शन 12 टर्न, इन एक ही डायरेक्शन में 12 बार उसको घुमाया जाता है एक सेंटीमीटर में। Throwing singles are individual raw silk thread that are twisted only in one direction. The number of turn depending on the quality of the thread required. In the production of silk fiber, is a general organized thread is used for warp and tram. Thread is used for web or lifting. The crepe thread is used to weaving or crinkly silk fabric. The thrown single thread is used to weaving sheer silk fibers. पूरा पैराग्राफ का मैं शॉर्ट में आपको हिंदी में समझाता हूँ। देखिए हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिएगा। सिल्क थ्रेड हमने ऑब्टेंड किया था, सिल्क थ्रेड से सिल्क फाइबर कैसे बनाया जाता है, सिल्क फाइबर सिल्क थ्रेड। आपने धागे देखो उसमें ट्विस्टेड धागे मुड़े हुए आते हैं, कई सारे पतले पतले रेसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनसे मिलाकर या थ्रेड तैयार धागा तैयार किया जाता है। तो उसको ट्विस्ट किया जाता है, उसको बार बार लपेटे दिए जाते हैं, जितना मोटा धागा बनाना है उतने ज़्यादा ट्विस्ट किए जाएंगे, जितना पतला बनाना है उतना कम ट्विस्ट किया जाता है, समझे ना। विल्ड सिल्क आर प्रोड्यूस बाई नंबर ऑफ अनडोमेस्टिक सिल्क वर्म्स। द विल सिल्क डिफर इन कलर एंड टेक्सचर फ्रॉम द डोमेस्टिक सिल्क फाइबर सिल्क वेराइटी। फर्दर मोर द कोकून विच आर गैदर्ड इन वाइल्ड सिल्क आर यूजली चूज थ्रो बाई सिल्क मोथ, दस द सिंगल थ्रेड विच मेक अप द कोकून हैज बीन कट इन टू शॉर्टर लेंथ। ए ब्यूटिफुल एंड एक्सपेंसिव गोल्डन कलर्ड वाइल्ड सिल्क कॉल्ड म्यूगा इज प्रोड्यूस इन ओनली एन ब्रह्मपुत्रा वैली मेनली आसाम इन एडजोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रह्मा। The variety of silk is the strongest natural fibers which actually improve with ironing and washing garments made from it outlets those made from ordinary silk commonly using 50 years or more. देखो सिल्क में भी टाइप्स है, सिल्क वॉर्म हम कैसा ले रहे हैं, रेशम कीट हम कैसा ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम जानते हैं ना धागा वही अच्छा होगा जो अच्छे सिल्क वॉर्म से निकलेगा, अच्छे रेशम कीट से निकलेगा, यदि क्वालिटी सिल्क वॉर्म्स की अच्छी रहेगी। लेकिन दूसरी बात है ना सिल्क वॉर्म, अब ये भी होता है जगह पर भी डिपेंड है, क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है। इसमें कुछ आपको जगह ब्रह्मपुत्र की वैली वाली आसाम, तो इन जगहों पर था सिल्क वॉर्म सेरिकल्चर की प्रोडक्शन अच्छा होता है और मजबूत भी रहते हैं, लगभग 50 ईयर्स से वहाँ पर किया जा रहा है यूज ऑफ सिल्क। सिल्क फाइबर इज लाइट वेट, वो वजन में हल्के होते हैं, लूस्टर चमकीले होते हैं, सॉफ्ट मुलायम होता है, इलास्टिक एंड हाई स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत होते हैं, टेंसाइल मजबूत काफ़ी होते हैं। इट कीप्स इन विंटर इन द कूल इन समर, गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट का एहसास होता है। सिल्क इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव ड्रेस, महंगे ड्रेस वुमन में महिलाओं और पुरुषों के महंगे ड्रेस बनाने में, विच आर वॉन इन स्पेशल ओकेजन्स, जो विशेष अवसर पर हम पहनते हैं, कोई त्यौहार पर हम पहनते हैं सिल्क के कपड़े पहनते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ सिल्क यूज इन मेकिंग साड़ी और क्राफ्ट स्कार्फ, इंडिया में अधिकतर इसका उपयोग साड़ी वगैरह बनाने में, क्या सिल्क की साड़ियाँ आती हैं महंगी महंगी।
इन एडिशन ऑफ क्लोथिंग सिल्क इज यूज टू यूज आइटम पैरासूट पैरासूट बनाने में, बाइसाइकिल के टायर, बुलेट प्रूफ फेस एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सोर्सेज ऑफ सर्जरी, सर्जरी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, यूजेज ऑफ सिल्क दिया गया है, तो इस चैप्टर को आप सीक्वेंस से देखिएगा, नीचे माइंड मैप दिया गया है और असाइनमेंट दिया गया और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया गया, जो मैं आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर जल्दी सेंड कर दूंगा। तो ये आपका चैप्टर हुआ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे हम आगे पढ़ेंगे और आगे हम समझने की कोशिश करेंगे नया चैप्टर हम कौन सा चालू करते हैं। इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करके देखिएगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेगा, आपके लिए फायदेमंद बेनिफिशियल रहेगा। और होमवर्क करके जरूर भेजिए, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग क्या होमवर्क करके तो भेजते नहीं हो, उससे आप ऐसा लगता है कि हम लोग आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो आप लोग होमवर्क जो टीचर भेजता है, मैंने भेजा है तो मेरा होमवर्क करिए, और भी सभी टीचर आपको जो भी भेजे उनके होमवर्कों को आप भेजने की कोशिश करा करिए, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।